इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? देखिए इकाई क्षेत्रफल, देखिए कहीं पर भी इकाई वाला कंसेप्ट आएगा ना तो याद रखिएगा कि वहाँ पर भिन्न आएगा। भिन्न कहने का मतलब डोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इकाई कहा तो इकाई जिसके साथ इकाई शब्द होगा वो नीचे आएगा, यानी कि हर में आएगा। तो इकाई क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है, चलिए हम क्षेत्रफल ही लिख लेते हैं। इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, क्या लगता है, बल जो लग रहा है उसको ऊपर लिखेंगे तो बल लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं इसको, दाब। अब पूछ लिया दाब कैसा मात्रक, हमें नहीं पता, यहाँ से निकालेंगे, टेंशन कहाँ लेते हैं। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए निकल करके आ गया ना, दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, और दाब का ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल भी लिया जाता है, ठीक है, पास्कल, जिसको इंडिकेट किया जाता है पीएसए। अगर वायुमंडलीय दाब पूछ लेगा तो वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। दाब किस पर निर्भर करता है, तो दाब निर्भर करेगा सतह के क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी वस्तु का सतह का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब उतना कम लगेगा, दाब उतना कम लगेगा, और जितना नगण्य क्षेत्रफल होगा उस पर दाब उतना अधिक लगेगा। कहोगे कैसे, तो देखो अगर आप नदी में किसी भी कील को डालते हो, ठीक है, तो कील डूब जाता है, क्यों, क्योंकि कील का जो सतह का क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण दाब अधिक लगता है और वो पानी में डूब जाता है। लेकिन वहीं अगर हम नाव की बात करेंगे, ठीक है, तो नाव क्या होता है, नहीं डूबता है, क्यों, क्योंकि नाव का जो नीचे वाला जो सरफेस होता है इसका जो एरिया होता है काफ़ी अधिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है, दाब कम लगता है, और सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम लगेगा, ठीक है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम लगता है और सतह का क्षेत्रफल घटने से दाब अधिक लगता है, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जब अगर दलदली क्षेत्र में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लेटने से दाब कम लगेगा और वो दलदल में मतलब फंस तो जाएगा ही, लेकिन लेट लगेगा उसको डूबने में। अगला है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, देखिए मान लेते हैं कि ये सतह है, ठीक है, इसके लंबवत अगर कोई बल लग रहा है, लंबवत 90 डिग्री एंगल बनाते कोई बल लग रहा है तो उसको बोलेंगे प्रणोद। इंग्लिश में इसको थ्रस्ट बोलते हैं, तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, हो सकता है बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछ ले थ्रस्ट। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर ये आपको याद है तो आप इसका आसानी से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और आयतन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो निकल के आ गया ना केजी मीटर क्यूब, यहाँ पर भी लिखा हुआ द्रव्यमान। घनत्व का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, हो सकता है केजी मीटर इन्वर्स क्यूब रहे, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि द्रव का जो दाब होता है सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, सभी दिशा में, किसी भी दिशा में जाएगा तो समान रूप से संचारित होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पास्कल ने, ठीक है। और पास्कल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग में करने के लिए जो नली का यूज किया था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो यू आकार का था। तो अगला प्रश्न वही कह रहा है, पास्कल ने अपने प्रयोग के लिए किस आकार के नली का प्रयोग किया था, तो यू आकार के नली का प्रयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई द्रव है और उसके द्वारा यदि ऊपरमुखी बल लगाया जाता है, तो ऊपरमुखी जो बल लगता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। अगला है, सर्वप्रथम उत्प्लावकता के बारे में किसने बताया था, आर्कमिडीज ने बताया था, ठीक है। बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, तो देखिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है पानी से। याद रखिएगा, जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा, ठीक है, जिस पदार्थ का डेंसिटी कम होगा वह तैरेगा, कुछ भी हो, अगर उसका डेंसिटी किसी दूसरे सापेक्ष के पदार्थ अपेक्षा कम है तो वह तैरेगा। यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का जो डेंसिटी होता है वह पानी से कम होगा। बर्फ़ का डेंसिटी पानी से कम होगा तभी तो तैरेगा ना, कमज़ोर है इसीलिए तैर रहा है, हार मान गया पानी से इसीलिए उसके ऊपर तैर रहा है। अब अगर मान लीजिए लोहे के कील को डालते हैं, तो लोहे के कील का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से अधिक होगा तो वह डूब जाएगा, है ना, क्योंकि जो मजबूत है वह डूब गया, उसके अंदर पीट के चला गया अंदर, है ना, तो वही बात है। तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। लोहे के कील पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है। ओके, चलिए, किसी वस्तु को पानी में डूबने के लिए उसका घनत्व कैसा होना था, अगर डूबना है तो घनत्व भाई अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होना चाहिए। कह रहा है जब जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो क्या होता है, तो जहाज जब नदी से समुद्र में उतरता है तो थोड़ा ऊपर उठेगा, क्यों, क्योंकि नदी का जो पानी होता है उसकी डेंसिटी थोड़ा सा अधिक होता है साधारण जल की अपेक्षा, ठीक है। नदी में जो पानी होता है उसकी अपेक्षा समुद्र वाले पानी का जो डेंसिटी होता है वो अधिक होता है, तो जैसे उसमें जाता है तो जो नाव होता है ना,
वो ऊपर उठ जाता है या जहाज। अगला है मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है या कम, यानी डैश होता है। तो देखिए मनुष्य का जो घनत्व होता है, मनुष्य के शरीर का, वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, तभी तो मनुष्य पानी में डूब जाता है। अगर कम होता है तो डूबता ही नहीं, तैरते रहता है हमेशा। ठीक है, तो मनुष्य का डेंसिटी जो होगा शरीर का, वो पानी के डेंसिटी से अधिक होता है। अगला, बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप पानी में, ठीक है, अगर बर्फ़ को डालेंगे तो बर्फ का 1/9 भाग क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। यानी कि बर्फ़ का ये जो ऊपर वाला भाग है यह 1 है, और नीचे वाला भाग है वह 9:9 में है। ठीक है, तो 1 भाग ऊपर और 9 भाग नीचे रहता है। तो ये कह रहे हैं बर्फ़ का कितना भाग पानी के ऊपर, 1/9 भाग। ठीक है, और अगर बात करेंगे पानी के अंदर, तो देखिए 1/9 है, अंदर कह लिया तो घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा दीजिएगा तो 8/9 हो जाएगा। अब करें टाइटैनिक जहाज बर्फ़ यानी हिमशैल से टकराकर कब नष्ट हुआ था, 1912 में। अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो देखिए घनत्व जब भी निकाला जाता है तो पानी के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो पानी का कुछ ना कुछ घनत्व होगा, तो घनत्व का ऐसा यूनिट लिखेगा केजी प्रति मीटर क्यूब, यही लिखेगा ना। अब अगर मान लीजिए जिसका भी निकालना होगा, जिस भी पदार्थ का डेंसिटी निकालना होगा, उसका भी तो ऐसा यूनिट लिखना होगा ना, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, तो ये दोनों कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है कि अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रा कुछ भी नहीं होता है। आगे, किस तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम तथा आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा, मैंने पहले ही बता दिया था भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। आगे, किसी वस्तु का भार महत्तम कहाँ होता है, तो महत्तम कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा, पोल पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैंने सारा पहले ही बता दिया है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 kg का 1/6 यानी कि 10 kg, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना गुना होगा, 1/6 गुना। देखिए यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 N है, मैंने भी बताया 60 N है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर 1/6 यानी कि 10 N हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर द्रव्यमान कहा गया, अगर भार कहेगा तो भार जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर भार कहा गया, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर भी भार कहा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में द्रव्यमान कह दिया गया है। तो ये मैंने बताया था द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर भी 60 होगा, चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए 60 ही रहेगा। पृथ्वी का प्लैन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का प्लैन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्लैन वेग क्या होता है, प्लैन वेग एक ऐसा वेग है जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंके और वह पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाए तो वह पुनः लौट के वापस नहीं आएगी। ठीक है, सभी पिंड का या कह लें कि सभी ग्रहों या उपग्रहों का अपना अलग अलग प्लैन वेग होता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी का पूछ लिया, तो पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस रफ्तार से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंक दें तो वह पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी।